12th कॉमर्स के बाद के करियर अपॉर्चुनिटीज को हम लोग ब्रॉडली चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज एंड अदर्स। इसमें मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को प्रोफेशनल कोर्स एंड डिग्री कोर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। 12th कॉमर्स के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे बेहतरीन प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है CA मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब कोई मेरी पर्सनल चॉइस पूछेगा तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS, उसके बाद CA मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ऐसा क्यों, इसकी कंपैरिजन का वीडियो और ये हर एक प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर की इंफॉर्मेशन का वीडियो मैंने सेपरेटली रखा हुआ है, तो उसको भी आप लोग जरूर से चेकआउट करें। और खास ध्यान रखें कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज की खास बात ये होती है कि ये कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं होता है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रन होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू हर एक जगह पर एक समान होती है। 12th स्टैंडर्ड के बाद जो आप डिग्री कोर्सेज कर सकते हो उसके अंदर आता है BCom मींस बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBA मींस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, LLB मींस बैचलर ऑफ लॉ। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा होता है BVoc यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशन, BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, BHRM बैचलर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, BSW मींस बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड मैनी मोर। अब ये बैचलर डिग्री के कोर्सेज में खास ध्यान ये रखना है कि ये अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से होते हैं और आपके डिग्री की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपने कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है। अब यहाँ पर गुजरात की बेस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और उसके एडमिशन के प्रोसेस की इंफॉर्मेशन अलग से हमने वीडियो में दी हुई है, जो कि आप लोग जरूर से चेकआउट करें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरी कोई पर्सनल चॉइस पूछेगा यहाँ पर तो मैं BCom सबसे पहले सजेस्ट करूंगा। अब इसका रीजन क्या है ये भी मैंने अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि क्यों बैचलर डिग्री में BCom जो है उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद के करियर के लिए जो तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमा कोर्सेज। अब पर्सनली मैं डिप्लोमा कोर्सेज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, पर फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को करना है तो वो कर सकता है डिप्लोमा इन अकाउंट एंड फाइनेंस, डिप्लोमा इन टैक्सेशन, डिप्लोमा इन मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टूरिज्म और ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज है। हालांकि मैं पर्सनली इसको ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूं, डिग्री कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज की वैल्यू कई ज्यादा होती है डिप्लोमा कोर्सेज की कंपैरिजन में। तो एक्सट्रीम लेवल पर अगर कोई स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज या डिग्री कोर्स ना कर सके ऐसे लेवल के है तो ही वो डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में सोचे। अब कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर ये अलग अलग कोर्सेज में बेहतरीन एजुकेशन लेके अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए साहस इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टडी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर आता है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस प्रोग्राम एंड साहस एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन, जिससे कि कोई भी लेवल का स्टूडेंट्स कहीं से भी बेहतरीन एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम का ले सकता है एट लोवेस्ट फीस और अपना बेहतरीन और ब्राइट फ्यूचर सेट कर सकता है। और इसके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं, वो लिंक को आप लोग जरूर से चेकआउट करें ताकि सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और अपने करियर में आप बेहतरीन डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। और इसके लिए साहस इंस्टीट्यूट का साथ और सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और दोस्तों हमेशा याद रखें दैट यू आर वेरी स्पेशल, सो हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन साह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।